स्वागत है मेरे दोस्तों आप लोगों का हमारे इस क्लासेस के चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों रेशियो का मतलब ये होता है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि वो सेम यूनिट्स में होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उस चीज़ का रेशियो निकालते हैं। मतलब इट्स बेटर, अब हम निकाल तो सकते हैं कुछ भी का, बट हमें करना चाहिए कि जो यूनिट में, जब सेम यूनिट में होता है तो ही निकलता है। अब सिंपली इसका मतलब याद रखिए कि दो नंबर होते हैं, कोई भी दो नंबर उसका रेशियो निकालते हैं, मतलब उनको इतना तक दूसरे को, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के वो लोएस्ट फॉर्म में चले जाए अपने। जैसे आप अगर देख लीजिएगा 12 और 18, ठीक है, इसको काटिए, पहले बार में कितना आएगा आपका 6, फिर 9, फिर 3, सॉरी हाँ 3, तीन बार में 2 से कटेगा ये 3, तो इसका लोएस्ट फॉर्म आ गया 2/3। तो ये भी रेशियो है। ठीक है, हम हमेशा ट्राई करते जाएंगे। अब ये 2/3 जो है ये किसके इक्वल हो सकता है, 6/9 के, और किसके इक्वल हो सकता है 2/18 के। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो आपस में एक दूसरे का इक्वल हो रहा है इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शन है। जैसे 2:3 प्रोपोर्शन 6:9। ठीक है दोस्तों, तो इसको ही हम लोग ये बोलते हैं। अब इसमें एक और फंडा जो जुड़ता है, अब जो ये दोनों होते हैं, ठीक है, जो मतलब ये दो लास्ट के जो होते हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं मीन्स, ये दोनों बीच वाले को। तो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 2:9 इज इक्वल टू 3:16, ये हमेशा ट्रू होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि अब हम अगर आप सिंपल इस रेशियो के बारे में बात करिएगा ए टू बी, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है दोस्तों, अब एक और होता है इसमें कि अब लिख सकते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल जो होता है इन दोनों का, तो उसमें हम लोग सिंपल लिख सकते हैं मीन का जो प्रोपोर्शन होगा उसको लिख सकते हैं रूट ए इस टू बी। मतलब अगर ये दो नंबर है रेशियो में तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल रेशियो होगा वो होगा रूट ओवर ए बी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे वो है कि आपके पास दिया हुआ है ए इस टू बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, और बी इस टू सी आपको दिया हुआ है 5:7 दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे से, तो दो चीज़ निकालना है, एक तो निकालना है ए एस टू सी, उसका निकालना है ए एस टू बी एस टू सी, तो हम बाद में पहले ये निकाल लेते हैं। तो आप अगर ए एस टू सी है तो आप ए एस टू सी को जैसे ये है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ए सी, तो अगर हम यहाँ बी बिठा दें तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बी बी कट रहा है तो बाद में ए बाई सी बचेगा। तुम्हारे पास देखिए इस टू का मतलब ये होता है डिवाइड में, तो ए इस बाई बी इंटू बी बाई सी दिया हुआ है हमारे पास, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी कितना दिया 2/3 और बी बाई सी कितना दिया 5/7। ठीक है दोस्तों, अब सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए तो आया कितना 10/20। तो दोस्तों अब इसके बाद हमें निकालना है ए इस टू बी इस टू सी, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, ए इस टू बी दिया हुआ है हमारे पास वो कितना है 2:3, और हमारे पास दिया हुआ है बी टू सी 5/7। तो हमें ट्राई क्या करें, देखिए दोस्तों आप इन दोनों में अगर देखिएगा तो आपके पास दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो हमें क्या करना है जो बी वाले टर्म में इसको किसी तरह इक्वल कर देना है तो हमें बन जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है 5:7, तो हमें क्या करना है कि ये इसको 3 करना है। तो 3 कैसे करेंगे, मान लीजिए 3 हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमें यहाँ 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा तभी होगा।
तो अगर हम 3/5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम तो अपने आप से अपने मर्जी से कर नहीं सकते, हम इसको हटाना ही पड़ेगा। तो इसे इलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे 3/5 से इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो 5/5 कट गया और यहाँ आपका आ जाएगा 3:2, इन दोनों ये ऊपर है तो मल्टीप्लाई होगा 21/5। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि a:b:c क्या हो गया 2:3:21/5। तो अगर 5 को हमें रिप्लेस करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करिएगा सबसे 5 को, तो आ जाएगा 10:15:21 दोस्तों। तो ये रहा आपका a:b:c। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, कमेंट करिए इस वीडियो के बारे में, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अब मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि हमें इस चैनल को इतना बढ़ाना है कि हम उस एरिया तक पहुँचे जहाँ तक बाकी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं अपने वर्क से या जो भी। हम चैनल को यहाँ से हिट करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके हम उस एरिया में अपने ब्रांचेस को स्टार्ट करेंगे जहाँ पर लोग पढ़ नहीं पा रहे, और सब होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हमें आपका सपोर्ट चाहिए कि आप हमारा जो चैनल है उसे पॉपुलर करें, कि हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए थोड़ी और ज़्यादा, ताकि हम अपना जॉब छोड़ पाएँ और इसमें फुल टाइम कर पाएँ। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।